इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के आगे के चीजों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट एज लिंक के बारे में। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक डेटा है और आप चाहते हैं कि एक जगह पे जो टाइप है वो दूसरे जगह पे भी सेम लिंक हो, एक चेंज हो दूसरा अपने आप अपडेट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप डेट ही डालते हो ना, आप एक रिपोर्ट बनाया और एक रिपोर्ट में आपके पास अगर 10 सीट है तो 10 सीट के ऊपर आपको डेट डालना होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि लिंक कर लेते थे इस तरह से, इक्वल प्रेस किया, लोकेशन पे जाए क्लिक किया एंड एंटर कर दिया, फिर वापस इक्वल किया लोकेशन पे गए क्लिक किया और एंटर कर दिया, फिर वापस यहाँ भी आए हम इक्वल प्रेस करेंगे लोकेशन पे जाएंगे सेलेक्ट करेंगे एंटर, और फिर यहाँ वापस इक्वल करेंगे लोकेशन पे जाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर हो जाएगा, राइट? ठीक है। अब उससे फायदा क्या हुआ कि मान लीजिए कल जो मुझे अगर डेट डालना होगा तो जब कल मैं डेट 23 सिर्फ एक सीट वन पे डाल के एंटर करूंगा, आप देखेंगे कि सीट टू शीट थ्री सब पे चेंज हो गया। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे लिंक यहाँ करना है, सिंपल बताता हूँ, जैसे पूजा को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, अब मैं पूजा के जगह पे अगर पूजा सिंह करके जैसे एंटर मारूंगा ये यहाँ पे पूजा सिंह अपने आप शो कर देगा। लेकिन क्या होता है कि चलो छोटा मोटा डेटा है तो आप इक्वल करके लिंक कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो दिक्कत होती है। तो मान लीजिए कि मुझे नेम चाहिए और मान लीजिए मुझे अप्रैल का और मुझे जून का टोटल चाहिए, ये चाहिए हमें, तो इसको हमने कॉपी किया और फिर हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, जी हाँ पेस्ट स्पेशल में आपके पास पेस्ट एज ए लिंक होता है। पेस्ट एज ए लिंक करेंगे तो ये लिंक कर देता है। मैं कुछ भी चेंज करूंगा, इसमें 30 को अगर मान लीजिए कि 65 के एंटर मारा तो यहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेस्ट एज लिंक। समझ आ गया जी। अब इसमें एक और आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। इससे मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, अब मुझे इस डेटा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुझे एक छोटे से एरिया जो दिख रहा है आपको, मुझे इसी एरिया में इस डेटा इस रिपोर्ट को दिखाना है तो पॉसिबल तो नहीं है ना सर, क्योंकि तो बड़ा है छोटा दिखाना है। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट के नीचे, पेस्ट स्पेशल के ही नीचे आपको यहाँ दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर, दिख रहा है? ठीक, क्या पेस्ट एज ए पिक्चर पे क्लिक कर दें। ठीक है, ओके okay। अब मैं इसको इजिली से कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये इमेज हो गया, मतलब कि जो पिक्चर होता है ना पिक्चर हो गया, अपना मर्जी से आप जैसे मर्जी इसको आप यूज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है। ये जो अभी आपने एक वो पेस्ट एज ए लिंक वाली बताई है चीज़, मसलन ये एक एक एक्सेल से दूसरी एक्सेल को कनेक्ट करना, तो ये इसी के अंदर आ जाता है या अभी आप ये टॉपिक कवर करेंगे जैसे वो इज इक्वल टू और? यही तो है ना, इसी में आया पेस्ट एज ए लिंक, ऐसे ही होता है। और दूसरा जो कैलकुलेशन का अलग पार्ट है कि हमें लिंक तो करना बट कैलकुलेट करके कुछ ऐसी कैलकुलेशन करके, तो फॉर्मूले वाले सेक्शन में बात करेंगे। वो फॉर्मूले में बात करेंगे। लिंक आपको लिंक समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे लिंक में समझ आ गया है क्योंकि मेरा मेरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड ना, एक मिनट होल्ड करें मेरा, मैं आपको ना
अच्छा, अब आपको ये, मैं आपके साथ अपनी ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? ओके, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, अब स्क्रीन मैं शेयर करने कीजिए, लगा शेयर हूँ। माई स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मैं ये अगर आपने पेस्ट लिंक का बताया, अब ये देखेंगे, अब ना यहाँ पे ना ये देखें, ये एक बजट है और ये कैश फ्लो है। अब ये बजट और कैश फ्लो आपस में लिंक है कैसे, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये इधर तो 0-0 है, ठीक है? अब रेट्स, अब ये क्या कह रहा है कि हाँ लिंक रेट्स है, के अगर सिंपल बजट सा की, लिंक किया हुआ है, इक्वल करके क्लिक किया हुआ है। हाँ लिंक किया, बिल्कुल सिंपल लिंक किया हुआ है। अब पहली बात ये कि अगर मैं इस डायरेक्ट सेल पे जाना चाहता हूँ दूसरी शीट की, तो वो कैसे जा सकता हूँ? कोई वे है या मुझे यहाँ से जाके बजट के अंदर ये सेल देखना पड़ेगा? अच्छा, पहला क्या देखना, क्या क्वेश्चन करना चाहते हो? कि मैं इस सेल को डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, कि इसी शीट में रह के मैं कहूँ कि मैंने बजट हाँ, E59 इसको कॉपी कीजिए, कॉपी किया। बजट को नहीं, बजट के ऊपर फॉर्मूला डबल क्लिक करके फॉर्मूला है, कॉपी कीजिए। नहीं उस पर नहीं, डबल क्लिक कीजिए ऊपर फॉर्मूला बार में, हाँ ये एफएक्स, इसे हाँ, इसको कॉपी कीजिए, माइनस मत कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा हुआ इसमें, इक्वल और हाँ माइनस माइनस लगा रहा छोड़ के, मैंने, इक्वल और माइनस छोड़ के कॉपी ठीक है कीजिए, कर दिया, स्केप कीजिए, स्केप हो गया। ओके अब यहाँ D43 दिख रहा है आपको, यहाँ एफएक्स डी के बगल फोर्टी में एक और है ना, D43 लिख रहा होगा आपको, हाँ ये जी 12 के ऊपर एड्रेस बार बोलते हैं उसको, हाँ उस पर क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, एंटर मारिए। पहुंच गया, पहुंच गया। अच्छा, इसको ये बॉक्स पूरी वर्कशीट को सर्च करने के लिए होता है? ये एड्रेस शीट है, ये किसी जगह पे जाने पर, जहाँ पे क्लिक है उसका एड्रेस बताता है, आप कहीं पे जाना है तो उसका एड्रेस यहाँ टाइप कर दीजिए, वहाँ पहुँच जाइएगा। और अगर वापस अब जाना, वापस जाना होगा तो फिर एड्रेस लिखना पड़ेगा वहीं जहाँ। अच्छा आप और कोई हाइपरलिंक टाइप वे बनाना चाहते हैं क्या, कि नहीं, क्लिक नहीं करते पहुँच हाइपर लिंक जाए? नहीं, हाइपर लिंक तो मुझे पता है, हाइपर लिंक तो नहीं, हाइपर लिंक नहीं, नहीं तो फिर आपको वापस जाने के लिए फिर यहीं पे क्लिक, वहीं पे वो एड्रेस लिखना पड़ेगा पूरा एड्रेस। या फिर एक काम कर सकते हैं, सुनिए ना, इसमें आइए, मुझे इसके ये कीजिए, स्टॉप कीजिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। मेरे पास मैं इसका है ऑप्शन, स्क्रीन को बंद करूं? अच्छा, हाँ इसकी स्टॉप शेयर कीजिए ना। मेरा और भी क्वेश्चन है, चलो पहले आप मुझे बता दें फिर मैं इस पे आता हूँ। ये ले, देखिए क्या होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं लिंक के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिंक है आपका, हमने लिंक कर दिया यहाँ पे, राइट? तो अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर B5 पे लिंक है, मुझे B5 पे जाना है, तो यहाँ B5 डाल दीजिए तो आप B5 पे पहुँच जाएंगे। अब लेकिन मुझे पता करना है, मुझे वापस जो इससे जो लिंक है वहाँ पे जाना है, तो वहां पे कर्सर जा तो नहीं पाता है, लेकिन फॉर्मूला बार में आपके पास एक होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देता है कि किससे लिंक है, समझे? लेकिन अगर ठीक अगर अगर एक डिफरेंट शीट से लिंक है, मतलब कि मान लीजिए कि हम यहां पर हैं और हम इसको लिंक कर देते हैं मुंबई से, राइट? अब मुझे पता करना है कि किससे लिंक है, तो यह डिपेंडेंट में क्लिक क्लिक करता हूँ ऊपर में, तो ये बताता है कि किसी और सीट से लिंक है, बट उस सीट पे जा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इसकी एड्रेस को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे उस लोकेशन पे आप चले जाएंगे। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये जिससे लिंक है वहाँ पे पहुँच जाओ तो ये नहीं हो पाता है सर। लेकिन अगर आपके पास कुछ कॉमन है, मतलब
कि आप ये चाहते हैं कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बराबर में उस पर जाते आता रहता हूँ, तो उसके लिए व्यू के अंदर में आपके सामने आता है कस्टम व्यू। तो यहाँ पे आप जो है व्यू बना लीजिए कि हाँ मुझे इस पे आना पड़ता है, लेकिन ये बहुत सालों के लिए नहीं है, ठीक है। अब मैं कहीं भी रहूँगा, कस्टम व्यू पे जाऊँगा, इस पे क्लिक करके शो पे जाऊँगा, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो इतनी इतनी देर इतनी वो उसके ऊपर जाने का मुझे बेहतर अपना नीचे से चला जाए। हाँ ये दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूला आएगा, हाइपरलिंक नहीं कर सकते, जब हाइपरलिंक होगा तब नहीं इधर से उधर चला जाएगा, फॉर्मूला लिंक में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा हाँ चलो, मान लीजिए इसका कि मतलब है एक पहुंच ये गया। फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला आप ये देखना चाहते हैं कि फॉर्मूला किससे लिंक है, तो दे फॉर्मूला कॉपी कीजिए, पेस्ट मार दिए, पहुँच जाइएगा, पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा जो ठीक है, मीन के हम उस जहाँ से डेटा सोर्स आया वहां पे जा सकते हैं, लेकिन उससे फिर वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ वापस आ सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि जे 13 है, तो आपको वैसे वापस आना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से कि सीट 7/J13, समझ गए ना? मेरे को कोई डायरेक्ट नहीं है वापस जाने के नहीं लिए, डायरेक्ट नहीं, जैसे हम आप नहीं नहीं। अच्छा एक मिनट, अब मुझे एक और क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। सेव कीजिए इसको। अच्छा मैं दोबारा शीट पे आ गया। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन है, चलें एक तो मुझे ये आ गया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने रेट्स हैं, ठीक है रेट्स, ठीक है ये फार्मूला बार में ये मेरा जनाब ये लिखा हुआ है कि बजट E59, ठीक है मैं वही आपके वाला काम करता हूँ, कॉपी किया। स्किप कीजिए, स्किप स्किप स्किप, ओके फॉर्मूला एक्टिव है ना, स्किप, स्केप। अच्छा ये ऐसे क्यों किया इसने, कॉपी करके एस्केप क्योंकि क्यों करना आपने है मुझे? आपने जब डबल क्लिक एडिट मोड में है तो कुछ भी कीजिएगा तो उस पर वो एंट्री करता है, तो उसने एंड दोबारा बताइए फॉर्मूला फिर। एक्सेप्ट कर लिया। देख रहे हैं ये हाँ सर, आपका एडिट मोड में है, ये एडिट मोड में है, कुछ इसमें समझ रहा है एक्सेल कि इसमें आपको कुछ टाइप करना है, और जब यहाँ एनएम बॉक्स में क्लिक कर दिखा एंड लिखा हुआ है तो समझता है कि एंड का फॉर्मूला लगाना है, तो क्लिक करते एंड का फॉर्मूला लगा दिया उसने, तो इसलिए स्केप एस्केप मार, किया। हाँ स्केप मारिएगा तो एडिट मोड से बाहर आ जाएगा। और कभी भी जब हम कोई चीज कॉपी करते हैं तो जी एस्केप हाँ जी करने से वो हाँ उसका कॉपी पेस्ट वाला वो डाटा जाया नहीं होता, मतलब कॉपी वो खत्म नहीं होती कमांड, वो वैसे की वैसी रहती है। मतलब मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया नहीं, तो मैं ये तो एस्केप। कॉपी आप टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं ना, आपका सेल कॉपी थोड़ी हो रहा है, टेक्स्ट कॉपी हो रहा है। ओके ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है अब यहाँ पे ये रेट्स है मेरा, ठीक है ये मैंने फोर का ये एक्चुअल में मेरा यहाँ पे है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब वहां पे जाके मैंने करना है कि क्योंकि मैं वहां पे उसको लिंक किया हुआ है, अब रादर देन के जो मेरा नेक्स्ट फोरकास्ट आएगा वो मेरा नेक्स्ट एक्चुअल आएगा वो मेरा यहाँ पर है। अब दरमियान में तीन सेल के बाद तीन कॉलम के बाद ये चौथे नंबर पे आई में है इस जगह पे, फिर ऐसे एम में है, फिर ऐसे अप्रैल में है, लेकिन यहाँ पे वो गैप नहीं है कि मैं उसको ड्रैग कर सकूँ और इक्वली वहां पे आ तो जाए। आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पे इसकी कॉपी से जो लिंक होगा, बजट पे जाइए, वापस बजट पे जाइए, हाँ जी आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और सबको सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, एक दो तीन चार पांच, ठीक है कॉपी कीजिए, कॉपी हो गया। चलो वापस जाइए, पेस्ट एज लिंक कर दीजिए पेस्ट स्पेशल में। मैं इसको ना यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर अ टाइम भी, है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेफरेंस आएगा सामने एग्जैक्टली पेस्ट लिंक से। ठीक, तो मैं जब पीछे चेंज करूंगा ये भी चेंज होता जाएगा। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके जी इसमें माइनस लगाया हुआ है, बट इसमें माइनस नहीं है। अब माइनस कैसे लगाएंगे इस पे अच्छा वापस, यहाँ पे देखिए आपका जो 9 है आपका माइनस में है, हाँ 9 माइनस में बिल्कुल।
अब यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो हाँ जी, एक एक करके लगाएंगे, नहीं वो तो फंस जाऊंगा मैं। तो सेलेक्ट कीजिए डेटा को, कंट्रोल एच कीजिए, इसमें आप कीजिए इक्वल और नीचे इक्वल माइनस, माइनस इक्वल माइनस इक्वल ही रहना चाहिए ना फॉर्मूला के लिए। इक्वल माइनस ये हाँ, रिप्लेस ऑल कर दीजिए, हो गया। ओके। अच्छा तो ये क्या कर रहा है? कि ये जो इक्वल इक्वल को का इसने साइन था इक्वल के इसको साइन को इक्वल इक्वल माइनस के साइन से रिप्लेस कर दिया, सिंपल सा तरीका। ओके। तो पेस्ट लिंक जबरदस्त 8.572 है, तो अगर मैं इसको ये राउंड फिगर में है, वहां पर राउंड कर दीजिए ना। हाँ वही ना, मैं एक सेकंड, ये मैंने यहाँ पे पता नहीं, कंट्रोल एक जेड सेकंड, कीजिए हो जाएगा, नहीं कंट्रोल जेड से नाम चेंज नहीं होता, कंट्रोल दैट मैंने किया तो है। नहीं होगा कंट्रोल जेड, सीट नेम चेंज नहीं होता कंट्रोल जेड से, सीट का नेम अनसेव करना पड़ेगा। अब लिख दीजिए, ये मैं चीज़ सेव मैं कर आपको दिया। बताऊंगा, ये चीज़ आपको आगे क्लास में समझ में आएगी, ठीक है ना, जो किया है ना ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये आप करेंगे, करवाएंगे ना मुझे अभी? हाँ करवा देंगे, ये पेस्ट एज ए लिंक तो मैंने आपको करा ही दिया, रिप्लेस हाँ आपके पेस्ट आए लिंक क्लासेस में करेंगे। है, फॉर्मेटिंग आपकी इससे कल से स्टार्ट होगी। अच्छा ठीक है, ये चले चले, ये तो जबरदस्त हो गया, क्योंकि ये पेस्ट लिंक ये बड़ा, इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, जब ये सारा ये ठीक है, अब इसको मैं क्या है, स्टॉप अभी कर। जो चिप पूछ रहे हैं ना वो पढ़ाएंगे आगे, तो इसलिए दिक्कत है। अभी जैसे पेस्ट लिंक ठीक है, आपने मैं बोला, तो पेस्ट लिंक आपको पढ़ाया, तो पेस्ट लिंक से आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना सर। हाँ बिल्कुल 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 दूसरा आपको बिल्कुल माइनस बार बार लगाना पड़ेगा, तो मैंने वो भी बता दिया कि माइनस के लिए आप रिप्लेस कर दीजिए, ये हो गया। तो एक मिनट, अब यहीं पे जब मैंने पेस्ट लिंक का यहाँ पे, जब मैंने फॉर एग्जांपल एक सेकंड, जब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट लिंक किया, क्योंकि पेस्ट लिंक से जो क्वेश्चन है वो रैंक था, ठीक है, ये देखिए, अगर कंट्रोल 2 3 4, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, ये मैं इधर आ गया, यहाँ पे मैंने ठीक है, अब मैंने माइनस भी कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने नीचे वालों को लेके आना, तो अगर मैं नीचे वालों को ड्रैग करूंगा तो खुद ब खुद दे देगा वैल्यू? नहीं सीक्वेंस है ना आपका, वो तो ऐसा तो नहीं है कि रेट के नीचे कुछ और है, वहां डेटा में अगर रेट के नीचे यूटिलाइज है तो आ जाएगा। तो, लेकिन अगर वो सीक्वेंस है तो देखें। अच्छा ठीक है, स्टोरेज ऑफिस में, ये देखिए स्टोरेज और ऑफिस में तो कुछ नहीं है ना, जीरो है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे फिर भी 932 दे रहा है, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग किया तो। ये आपका एक मिनट, नहीं नहीं हुआ, ऊपर जाके देखिए डॉलर साइन लगा हुआ है, फिर डॉलर साइन हटाना पड़ेगा, हाँ तो डॉलर से हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए डॉलर को ब्लैंक से, हो गया। हेलो, फिर तो सेलेक्ट आप कीजिए, इन सब को पहले सेलेक्ट, डॉलर साइन रिप्लेस हाँ सेलेक्ट कीजिए पूरे को, कंट्रोल एच कीजिए, और वहां पे डॉलर ऊपर में डॉलर साइन दीजिए और नीचे है कुछ मत दीजिए। हो गया, डबल हट गया, रिमूव हो गया, अब नीचे ड्रैग कीजिए, जी, तो ये सारा मुझे बहुत लेकिन दिक्कत ये लिंक हुआ ना कि सारा दे। आपका ये देखिए आपका रेट्स है, यूटिलाइज है, रिपेयर है, आपका रिसेंट कॉस्ट है, बट आपको डेटा में ऐसे तो नहीं है ना, डेटा में तो अलग अलग नहीं है, ऐसे अरेंज नहीं है। तो आपको यहाँ ऊपर आपको क्या करना होगा, बजट में जाना होगा, बजट पे जाइए एक बार, और बजट में आप देखिए कि जैसे आप बोल रहे थे कि आपका नेक्स्ट क्या लेना है, रेट्स के बाद क्या लेना है आपको। डेट्स के बाद मुझे लेना स्टोरेज एंड ऑफिस, हाँ तो है ही, सिक्वेंस अगर यहाँ सिक्वेंस में है तो वहाँ सिक्वेंस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और अगर सीक्वेंस में नहीं है तो तो आपका रो नंबर देख लीजिए ना, फिर रो नंबर रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बैंक चार्जेस चाहिए, तो इसका 65 है, हाँ जी 65 है। हाँ तो आप वहाँ पर जाइए डेटा पे, और जब ड्रैग किया है आपने, जो ड्रैग नीचे नीचे जो ड्रैग किया है वो नहीं नीचे ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पे खाया तो मैनुअली 65 लिख दीजिए, या फिर सेलेक्ट करके 61 61 को 65 से रिप्लेस कर दीजिए।
ओके, तो ये 65, ओके, सो कंट्रोल प्लस एच, और ये जो है ये फॉर अब ये एग्जांपल सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं नहीं गलत कर रहे हैं आप, एक गलत कर रहे हैं, सिलेक्शन करके वरना पूरा जहां जहां 60 होगा वहां 65 हो जाएगा, सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, एक सिंगल सिलेक्ट मत कीजिएगा, सिलेक्ट कर लिया ना अब इसको मैंने। एक सेल सिलेक्ट है ना, दो कीजिए, कम से कम दो सेल सिलेक्ट होना चाहिए। ओके ओके, दो कर लेते हैं। दो या दो से ज्यादा अब कीजिए, 62 को 65 से रिप्लेस हो गया, ठीक है। या फिर एक एक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको रिप्लेस अगर आपको ये लग रहा है तो एक एक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जैसे आपने ऊपर किया है नीचे भी कर लीजिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक वो है। डॉलर साइन रिमूव कर देना है और हाँ पेस्ट लिंक स्पेशल कर देना। जी जी ठीक। तो तब वो नीचे सारा ले लेगा, और जी हाँ जी हाँ अगर वो सारा नहीं लेता तो फिर हमें वो एक वो जाके देखना पड़ेगा कि उसकी रो नंबर क्या, फिर वहां पर रिप्लेस करनी पड़ेगी रो नंबर। ठीक जी हाँ सही सही बोला, ठीक ठीक लेकिन है हाँ, ठीक हम है। इसको खत्म करते हैं और हम अपना लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन डेफिनेटली आई होप सो कि आप मुझे, हम और डिटेल में जाएंगे इन चीज़ों में। ठीक है तो अब बैक टॉपिक आते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा हमने पेज से पिक्चर कर लिया, बट लिंक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो मेरा डेटा चेंज नहीं, इस पर चेंज नहीं होता, या कोई वैल्यू चेंज किया तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिंक नहीं है, सिंपल पिक्चर। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। पेस्ट एज पिक्चर लिंक क्या हो जाएगा, ये आपस में लिंक हो जाएगा। अगर मैं कोई वैल्यू भी चेंज करूँ या कोई फॉर्मूला चेंज करूँ तो अपने आप से 15 यहाँ दिख रहा है ना सर, मैं 15 को हाँ यहाँ पे 500 करके एंटर मारता हूँ, यहाँ पे 500 हो जाएगा, है पिक्चर लिंक है। और अगर इसी फाइल में जिसको आपने कॉपी पेस्ट करके इधर कॉपी किया और पेस्ट करके पिक्चर लिंक किया है, अगर इसी में कोई फार्मूले लगे हुए हैं तो वो फार्मूला भी इसमें जाएगा? नहीं, फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा, जो जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है ना वो यहाँ विजिट करेगा, ये रिजल्ट कैसे आया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये रिजल्ट कुछ होता है। ऐसे मान लीजिए कि इक्वल 50 प्लस 30 है, राइट, यहाँ ठीक है, 50 आ गया, तो यहाँ जस्ट 50 शो कर रहा है, 50 किससे आया इसको इस पिक्चर लिंक को मतलब नहीं है, बस उसकी रिजल्ट 50 को शो करेगा। अच्छा, ये सिर्फ रिजल्ट को, फाइनल को शो करेगा बस। ओके यूज आगे हम डैशबोर्ड में बताएंगे आपको, इसका बहुत अच्छा खासा यूज है, आगे हम इसको आपको डैशबोर्ड में बताएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। उसके बाद छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि कट कॉपी तो पता ही है, फॉर्मेट प्रिंटर पता है सर क्या होता है। हाँ ये उसके फॉर्मेट को पेंट कर लेता है हाँ, तो बस। इसमें एक चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपको कई सारे जगहों पे करना है तो उतना बार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा ना, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए, अभी हटेगा नहीं सर, जहाँ क्लिक करना कर दीजिए, ये नहीं पता था डबल क्लिक वाला। सही सही, डबल क्लिक, वापस हटा दीजिए क्लिक तो आपका हट जाएगा, ठीक अच्छा है। अच्छा ठीक तो ठीक ठीक अब अभी जो है ना क्लिप बोर्ड को मैंने फाइनल कर दिया है, मतलब कि हमारा ये कॉपी पेस्ट फाइनल हो गया, अब इसकी ठीक है प्रैक्टिस आप लोग करना शुरू कर दीजिए, और फिर हम ठीक है, मंडे आपसे बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आपकी नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे।